तो लास्ट एपिसोड में देखा आप लोगों ने कि मुझ पे दो मैजिशियन ने अटैक किया था जब मैं अपने ड्रैगन के साथ टहलने के लिए निकला था। मुझे नहीं पता उन्होंने मेरे साथ क्या किया, बट मुझे एक ऐसे वर्ल्ड में छोड़ दिया जहां से मुझे शुरुआत से शुरुआत करनी पड़ी। इस वर्ल्ड में बहुत सारी अनोखी चीजें होती रहती है। कभी भी कोई भी एंटिटी कहीं से भी स्पॉन हो जाता है, और वो एंटिटी एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर भी हो सकता है या कोई माइनक्राफ्ट का एक ऐसा बॉक्स भी हो सकता है जिसको बीट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। मैंने इस वर्ल्ड को धीरे धीरे समझना सीख लिया है कि इसमें किस तरीके से सर्वाइव किया जाए। मैंने इसमें अपने लिए एक घर भी बना लिया है, और मैं एक फाइट एरेना में एक टाइगर को भी जीत चुका हूँ, यानी कि मेरे पास एक पर्सनल पेट भी है। वो बात अलग है कि मेरा फेवरेट पेट तो यहाँ पे हमेशा ड्रैगन ही रहने वाला है, बट अभी यहाँ पे शुरुआत करने के लिए भाई मुझे एक शेरू मिल गया है जो कि एक बहुत बड़ा टाइगर है और बहुत बड़ी जंप भी लगा सकता है, और इसका हेल्थ भी बहुत अच्छा है। लास्ट एपिसोड में मैं जब एडवेंचर पे निकला इस वर्ल्ड में कुछ नया देखने के लिए कि भाई इस वर्ल्ड में और क्या क्या है, तो मुझे वही मैजिशियन दिखा अपने डेविल पे उड़ता हुआ, यानी कि मेरे ड्रैगन पे उड़ता हुआ। तो मैंने सोचा चलो उसका पीछा करा जाए। जब मैंने उसका पीछा किया तो मैं पहुंचा एक ऐसी जगह पे जिसको बोलते हैं द किंगडम ऑफ ड्रैगन, और उस जगह पे पहुंचने के बाद मुझ पे बहुत सारे ड्रैगन्स ने अटैक कर दिया। क्योंकि मुझ पे ड्रैगन अटैक नहीं करते हैं क्योंकि मैं एक ड्रैगन वॉरियर हूं, बट वहां के सारे ड्रैगन मुझ पे अटैक कर रहे थे। तो इससे पता चलता है कि ये जो ड्रैगन्स हैं ये सारे के सारे इविल ड्रैगन्स हैं। मैंने एक डिश बनाई थी जिसको बोलते हैं डिवाइन डिश। उस डिश ने मेरे को ड्रैगन से तो बचा लिया, मगर यहां पे इस गेट में एंटर होना इतना आसान नहीं है क्योंकि ये गेट कुछ पावरफुल स्पेल्स से प्रोटेक्ट है। मैंने जैसे ही अंदर जाने की कोशिश करी तो मैं यहां पे मारा गया। तो मुझे इस गेट के अंदर एंटर होने के लिए अपने लिए एक पावरफुल आर्मर और एक पावरफुल डिवाइन डिश बनाने पड़ेगी जो मुझे उस मैजिकली स्पेल से प्रोटेक्ट कर सके। तो चलिए देखते हैं अब आगे क्या होता है। ऐसे तो मैं मर जाऊंगा यार, डिवाइन डिश भी यहां पे काम नहीं कर रहा है। ओ भाई साहब, सो गाइस यार मुझे लगता है मैं उसके अंदर एंटर नहीं कर सकता हूं, और मेरा पेट शेरू मुझे नहीं पता भाई वो जिंदा बचा है कि नहीं बचा, और मेरा सामान भी सारा का सारा चला गया है। मुझे वहाँ पे चलना पड़ेगा, एक बार चेक करना पड़ेगा कि मेरा सामान वहाँ पे बचा है कि नहीं बचा। लेकिन पहले ऐसा करता हूँ मैं सो जाता हूँ, क्योंकि यार मुझे नहीं पता वो जगह क्या होने वाली है और वहाँ पे क्या सब चीज़ें होंगी। सबसे पहले तो यार वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं यार मेरा सामान बचा भी है क्या नहीं बचा। ओके गाइस, तो मैं काफ़ी ज़्यादा क्लोज पहुँच चुका हूँ उस गेट के, और यहाँ पे काफ़ी सारे ड्रैगन उड़ रहे हैं, और ये सारे के सारे ड्रैगन ना वाइल्ड है। मतलब मैं जैसे ही इनके क्लोज जाऊँगा ना ये मेरे पे अटैक करना शुरू कर देंगे। मेरा शेरू तो अभी तक जिंदा बचा हुआ, और यहाँ पे स्नो होने लग गई है। इससे पहले कि भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो हो जाए और मेरा सामान बिल्कुल ही ढक जाए अगर यहाँ पे बचा भी होगा तो, और वहाँ पे भाई तीन पूंछों वाला ड्रैगन भी है, ये बहुत पावरफुल ड्रैगन होने वाले गाइस। मुझे थोड़ा सा दूर से जाना पड़ेगा क्योंकि पास जाते के साथ ये सबके सब ड्रैगन अटैक करने लग जाते हैं। यही वो ड्रैगन है भाई जो मुंह में से फायर फेंकता है, तो भाई मेरे को थोड़ा सा सेफली जाना पड़ेगा। आई होप कि मेरा सामान बच गया हो क्योंकि यार काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था मुझे ग्राइंड करने में। तो चलो भाई सबसे पहले तो ओके गाइस, तो मेरा सामान यहाँ पे बचा हुआ है। तो भाई अरे यार शिट, मेरे को यहाँ नहीं जाना भाई। अगर ये डोर को भाई यहाँ से मैं पार करने की कोशिश करूँगा ना तो पक्का से मैं मर जाऊंगा भाई। मेरे को अभी तो यहाँ से निकलना है भाई। सबसे पहले तो मेरे को पावरफुल बनना है भाई, क्योंकि यार जब तक मैं पावरफुल नहीं बनूंगा ना जब तक मैं यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। और यार मेरे को पक्का से पता है कि मेरा ड्रैगन ना पक्का से इस ड्रैगन किंगडम के अंदर ही होगा। ऐसा नहीं है कि मैं इस डोर के अंदर से ही क्यों जा रहा हूँ, मैंने साइडों में से भी जाने की कोशिश करी है, मगर भाई सेम वही प्रॉब्लम आ रही है, साइडों में भी पूरा का पूरा थंडरबोल्ट हो रहा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है गाइस ये जगह ना किसी चीज से प्रोटेक्ट है। ओ भाई मैं स्नो पाउडर में घुस गया हूँ। मुझे लगता है ना ये जगह किसी चीज से प्रोटेक्ट है, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि किसी मैजिक स्पेल से प्रोटेक्ट है। तो चलो भाई यहाँ पे बाद में आएंगे क्योंकि ये जगह तो भाई पूरी की पूरी मैजिक से भरी हुई है। चलो यार अभी तो फिलहाल घर की तरफ निकलते हैं और अपने लिए एक बढ़िया सी डिवाइन डिश बनाएंगे जो कि हमें बहुत ज्यादा पावर देगी। बट यार उस डिवाइन डिश को बनाना ना इतना आसान नहीं होने वाला, मैं आपको दिखाता हूँ उसकी रेसिपी क्या होने वाली है। ओके गाइस, तो भाई हम घर पे बिल्कुल पहुंच चुके हैं। अब मैं यहाँ पे अपने पेट को बैठा देता हूँ एक साइड में। आई डोंट नो गाइस ये कैसे बच गया, बट ये बहुत ज्यादा पावरफुल है तभी ये गया भाई। हो भाई ये सच में यार इसकी पूंछ देख रहे हो, इसकी पूंछ कितनी मोटी है भाई, ये बहुत ही बढ़िया है गाइस। और मैंने इसका नाम शेरू इसलिए रखा है क्योंकि यार शेरू ना मेरे मतलब पर्सनल लाइफ में भी काफी दिल के करीब है, तो मैंने इसका नाम शेरू रखा है। पहले सो जाते हैं भाई, इस वेदर को स्किप करते हैं, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं। फिर मैं आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। ओके गाइस, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ डिवाइन डिश के बारे में। ये इस वर्ल्ड की एक ऐसी इकलौती चीज़ है जो मेरे को काफ़ी ज़्यादा पावर दे सकती है। वैसे तो मैं डिवाइन डिश बना चुका हूँ, बट ये वाली डिवाइन डिश ना इतनी ज़्यादा पावर मुझे नहीं देती है। वैसे अगर जब मैं इसको खाता हूँ ना तो देखो मुझे क्या क्या मिलता है। मुझे तीन तरह की चीज़ मिलती है, जिसमें से मेरे को हेल्थ रिजनरेशन मिलता है, और मेरे को कुछ एक्स्ट्रा हार्ट भी मिल जाते हैं, और स्ट्रेंथ बूस्ट भी मिलता है। बट गाइस इसमें एक डिश और है
जो कि लेवल 3 की डिश है, मतलब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये देखो गाइस, अभी जो मेरे पास डिश है वो है ये वाली, जो कि इन चीजों से बनती है। और ये सभी चीजें ऑलमोस्ट मेरे पास तैयार है, बस ये अंडे को छोड़ के, क्योंकि यार मैंने अभी तक चिकन फार्म नहीं बनाया तो मेरे पास ज्यादा अंडे अवेलेबल नहीं है। और सेकंड लेवल वाली है ये, जो कि डिवाइन डिश 2। इसके लिए मुझे चाहिए होगा सुपर बीटरूट, सुपर कैरेट, सुपर पोटैटो, सुपर ब्रेड, सुपर पंपकिन, सुपर मेलन। तो ये सुपर सुपर चीजें क्या है भाई, मतलब ये बीट रूट, कैरेट, पटेटो, ब्रेड, पंपकिन, मेलन, ये सब चीज तो अवेलेबल है। और हाँ, प्लस मेरे को डिवाइन डिश 1 भी चाहिए होगी, ये सब चीज तो अवेलेबल है, बट ये सुपर सुपर क्या है भाई। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ कि इसमें सुपर फूड है, मतलब ये एक तरह का सुपर फूड है जिसको बोलते हैं डिवाइन डिश। और ये डिवाइन डिश भाई एक तरह का इटालियन डिश है, और मुझे नहीं पता ये कौन से देश से इजाद हुआ है, बट ये कुछ कुछ पिज्जा जैसा दिखता है सच में भाई। तो चलो गाइस अब देखते हैं भाई, सबसे पहले तो मेरे को मेरी जितनी भी खेती है उसको मुझे सुपर फूड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मेरे पास बीट रूट है, मेरे पास पोटैटो है, और मेरे पास कैरेट भी है। ये सिंपल वाले हैं, ये सुपर फूड नहीं है, तो मुझे इनको सुपर फूड में कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मुझे बनाना पड़ेगा सुपर फूड का सीड। 1 minute 37 seconds later. ओके गाइस, तो मैंने सभी चीजों को मार्क कर लिया है। डिवाइन डिश 1 आपको पता है किस तरीके से बनेगी, सारे के सारे वेनिला की चीजें हैं, कुछ भी मोडेड नहीं है इसमें। अब आती है बारी डिवाइन डिश 2 की, और मेरे को बनानी है डिवाइन डिश 3। मतलब 3 बनाने के लिए मेरे को डिवाइन डिश 2 लगेगी ही लगेगी। तो डिवाइन डिश 2 बनाने के लिए मेरे को चाहिए होगी सुपर पोटैटो, सुपर कैरेट, सुपर वीट, सुपर बीट रूट, सुपर मेलन और सुपर पंपकिन। यानी कि मेरे को ये सारे के सारे फूड सुपर चाहिए होंगे। अब ये सुपर फूड बनते कैसे, देखो अगर मुझे पटेटो बनाना है तो पटेटो बनाने के लिए मेरे को नॉर्मल पटेटो के चारों तरफ डायमंड रखने होंगे। कैरेट बनानी है, कैरेट के तरफ डायमंड रखने होंगे। अगर मेरे को सुपर वीट बनाना है तो इसके लिए मेरे को सीड चाहिए होगा, यानी कि एक हे बेल चाहिए होगा, उसके चारों तरफ मेरे को डायमंड लगाने पड़ेंगे जब मेरे को सुपर वीट का सीड मिलेगा। और ऐसे ही बीट रूट का भी है, बीट रूट के में मुझे बीट रूट सूप बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद इस सूप के चारों तरफ जब मैं डायमंड रखूंगा तो मुझे बीट रूट का सीड मिल जाएगा। और आई थिंक मेरे लिए ये एक एक सीड इनफ रहेंगे। और इसी तरीके से मेलन का भी सीड बनेगा, जिसके चारों तरफ मुझे डायमंड रखने होंगे मेलन स्लाइस के पीछे। और ऐसे ही पंपकिन का बनेगा, लेकिन पंपकिन में मुझे पाई बनानी पड़ेगी पंपकिन की, फिर उसके चारों तरफ जब मैं डायमंड रखूंगा तो मुझे मिल जाएगा सुपर पंपकिन सीड। तो इस तरीके से मैं ये चीजें उगा करके डिवाइन डिश 2 बना सकता हूं। और हाँ, मुझे डिवाइन डिश 1 भी चाहिए होगी। और 1 बनाने के लिए आपको पता ही है मुझे हर तरीके का फार्म बनाना पड़ेगा। मुझे कैरेट फार्म चाहिए, बीट रूट चाहिए, ब्रेड चाहिए, अंडा चाहिए, चिकन चाहिए, मटन चाहिए, स्टिक चाहिए और पोर्क चॉप भी चाहिए। मतलब मेरे को माइनक्राफ्ट के सारे ही एनिमल का फार्म बनाना पड़ेगा और उनको ब्रीड कराना पड़ेगा, तब जा करके मैं डिवाइन डिश 1 बना सकता हूँ। और फिर 1 बनेगी तो फिर मेरी 2 भी बन जाएगी, बट मेरे को बहुत सारे डायमंड चाहिए होंगे। बस डिवाइन डिश 3 बनाने से पहले भाई यहाँ पे रात हो गई है, तो चलते हैं सोने के लिए। ओके, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मॉन्स्टर नियर बाय। अरे भाई सोने देना मुझे, सोने दे यार। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। वैसे बारिश होने लग गई है दोबारा से, ये यहाँ पे ज़ॉम्बीज आ गए यार, पता नहीं कहाँ से आ गए। इसको तो मेरा शेर ही खा जाएगा। लेट्स गो, अटैक कर दे इस पे, लेट्स गो। मार दिया भाई इसने, होली क्रैप, ये क्या चीज है भाई। ओ भाई ये क्या चीज है, इसके पास एक बड़ी सी तलवार है, ये क्या फेंक रहा है भाई। अबे भाई ये क्या फेंक रहा है, ओ ये मेरे शेरू पे अटैक कर रहा है ये भाई। ये क्या है, इसको कैसे मारूं मैं। टाइगर वॉज स्लेइंग बाय जायंट, व्हाट द हैक, व्हाट द हैक, ये मैं कहां स्पॉन हो गया भाई। क्या उसने मेरा बैट तोड़ दिया, मुझे एक बार चलना पड़ेगा अपने कोऑर्डिनेट्स पे भाई। 12 seconds later. Okay guys, तो भाई मैं घर के पास तक पहुंच गया हूं भाई, काफी टाइम लग गया यहां तक पहुंचने में। यहां पे काफी सारे चिकन है यार, मैं इनसे अपना एक चिकन का फार्म तो बना ही सकता हूं, जिसके मुझे जरूरत भी पड़ेगी। बट यार अभी देखना है कि यार उसने मेरे घर पे क्या तबाही मचाई होगी। यार ये पूरा का पूरा मेरा घर टूट चुका है भाई, होली यार ये तो पूरा बर्बाद कर दिया यहाँ पे उसने। यार वो क्या चीज थी। ओके वो डीस्पोन हो गया है यहाँ से, क्या मेरा सामान मुझे मिलेगा। यार सबसे पहले मेरे को अपना बेड स्पोन करना होगा, क्या मेरा सामान कुछ बचा है यहाँ पे। ओके यार थोड़ा सामान बच गया मेरा। ओके बेड है मेरे पास यहाँ पे, पहले मैं यहाँ पे अपना
रिस्पॉन पॉइंट सेट करूं। ओके गाइस, तो मेरा रिस्पॉन पॉइंट सेट हो चुका है। यहाँ पे पूरा घर बर्बाद हो गया। यहाँ पे कितना बड़ा छेद किया यार उसने, क्या ब्लास्ट किया था यहाँ पे भाई। मेरा सामान पता नहीं मुझे। ओके, मेरा सामान बचा हुआ है, लेट्स गो। ओके गाइस, मेरा सामान बच गया भाई। यार वो क्या था भाई, सुअर ने मुझे मारा था, कुछ होगलेन। ओके यहाँ पे है वो सुअर, ये रहा, ये इसने मुझे मारा है। ये मर क्यों नहीं रहा भाई, ये किस किस्म का सुअर है, ये क्या है भाई, व्हाट, एंग्री होग, उसने मुझे वन शॉट मार दिया भाई। ये कौन सा नस्ल का सुअर है, उसने मुझे वन शॉट मार दिया। गाइस मुझे एक ग्लास बनाना होगा क्योंकि मुझे उसका हेल्थ नहीं पता चल रहा, उसका हेल्थ क्या है। वो ग्लास मुझे बनाना होगा, जिसके लिए मुझे कॉपर चाहिए और मुझे एमेथीस चाहिए। ओके, मेरे पास एमेथीस पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल मेरी जा चुकी है, तो मुझे एक क्राफ्टिंग टेबल भी बनानी पड़ेगी फिर से। यार मेरे को लगता है मुझे अपना पूरा सेटअप वापस से लगाना पड़ेगा, सब कुछ बर्बाद कर दिया उसने। ओके गाइस, तो स्पाई ग्लास मेरे पास बन चुका है। ये स्पाई ग्लास ना बहुत ही ज्यादा स्पेशल है गाइस। मैं जैसे किसी भी मॉब के ऊपर इसको ऐसे पुश करता हूँ ना, मुझे ये उसकी हेल्थ भी बताता है और ये भी बताता है कि वो पैसिव है या एग्रेसिव है। तो भाई यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यार ये रहा वो होग। ओ माय गॉड, इसकी 761 की हेल्थ है और ये पैसिव है, मगर ये पैसिव है तब भी मुझे मार क्यों रहा है भाई। यार ये चीज मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आई, ये मुझ पे अटैक क्यों कर रहा है। ये पैसिव हो तो अटैक नहीं करना चाहिए इसको, लेकिन ये मुझ पे अटैक कर रहा है। जिसकी स्पीड थोड़ी कम है तो मैं इससे थोड़ा दूर जा सकता हूँ, या फिर मैं किसी ब्लॉक पे चढ़ के इसको मार सकता हूँ। यार जब तक मैं इस गेम में पावरफुल नहीं होता ना, जब तक मुझे ऐसी ऐसी चीजों से निमटना ही पड़ेगा। मतलब ये मुझे मार देंगे इजी पीजी। यार फिलहाल वो वहाँ पे घासें चरने में बिजी हो गया है और अब मैं उसको ठिकाने लगाता हूँ। रुक जा, आ जा बेटा तू, अब आ जा तू, अब देखता हूँ तुझे। 1 hour later. Two hours later. 12 o'clock midnight. 3:28 a.m. बंद करो हाथ जोड़ के मैं। ओ भाई साहब, फाइनली गाइज मैंने उसको मार दिया भाई। वो क्या चीज़ थी भाई, काफ़ी सारा एक्सपी दिया उसने मुझे और उसने मुझे हॉग हाइड दी है। मुझे नहीं पता है किस चीज़ में काम आएगी, शायद ये लेदर की तरह काम करती है। बट यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा कचरा फैल गया है, मेरे को ये सब चीज़ रिपेयर करनी पड़ेगी भाई। ओके गाइज, ऑलमोस्ट मेरा घर बनने वाला, बस मेरे को ये फेंस लगानी है और फिर मेरा घर जो है बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगा वापस से। भाई ये जगह काफ़ी खाली हो गई है नीचे से, अब यहाँ नीचे कोई मॉब स्पॉन ना हो जाए वरना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पे भाई मेरा घर पूरा बन के वापस से तैयार हो गया है। हाँ ये पहले जैसा तो नहीं रहेगा थोड़ा इस साइड से, लेकिन काफ़ी हद तक अभी ये वापस से ठीक हो गया है। और यार मेरे को ना एक चीज़ चेंजेसेस करनी थी अपने घर में, ये जो ड्रैगन के हेड है ना, ये मेरे को दोनों उतारने हैं यहाँ से, क्योंकि यार ये आधे ना ज़मीन के अंदर जा रहे हैं इनके चेहरे। तो मैं सोच रहा हूँ कि इनको ना यहाँ पे लगाऊं, देख रहे हो दोनों साइड, अब सही है, अब बिल्कुल बढ़िया तरीके से विजिबल हो रहे हैं ड्रैगन के हेड। ओके नाइस। तो फिलहाल गाइस यहाँ पे मैंने फर्नेस वगैरह बना लिए हैं, तो इनमें मैं अपग्रेड डाल देता हूँ। इनमें मैंने स्पीड के अपग्रेड डाले थे भाई। ओके गाइस, तो अब आते हैं भाई अपने डिवाइन डिश 2 पे। डिवाइन डिश 1 मैं बना चुका हूँ, डिवाइन डिश 2 मेरे को बनाना है। बट ये सब चीजें बनाने से पहले मेरे को इनके सीड बनाने होंगे, और सीड बनाने के लिए लगेगा भाई बहुत सारा डायमंड। वैसे तो यार डायमंड मेरे को काफी सारा मिल गया था लास्ट टाइम अरेना से, और यहाँ पे मेरे पास कुछ नेदरराइट के ब्लॉक भी है जो कि 4 ब्लॉक हैं। मतलब यार मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनके सीड वीड बना लूंगा, मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला इनके सीड वगैरह बनाने में, काफी आसानी से बन जाएंगे ये सब। मैं अभी एक चीज बनाने वाला हूँ जिससे कि मेरे को कभी माइनिंग और करने ही नहीं पड़ेंगे, मतलब मेरे को कभी माइनिंग ही नहीं करनी पड़ेगी। तो ये है गाइस इसमें बुटानिया पॉट विद होपर, जिसके लिए मेरे को टेराकोटा चाहिए, फ्लावर पॉट चाहिए और एक होपर चाहिए होगा। होपर बनाने के लिए मैं यहाँ से आयरन ले लेता हूँ, काफी सारी मेरे को चेस्ट चाहिए होगी। तो चलो गाइस अब ये बुटानिया होपर पॉट जो यहाँ पे बनने जा रहे हैं 9 बना लिए मैंने, अभी के लिए मेरे पास 9 इनफ रहेंगे। मैं चाहूँ तो इनको अपग्रेड भी कर सकता हूँ, बट अपग्रेड करने के लिए मेरे को एंडर पल लगेगा, और एंडर पल गाइस अभी मेरे पास नहीं है भाई।
क्या मैं एंडर पर्ल्स बना सकता हूँ इसमें? एंडर पर्ल गाइस मेरे पास अभी नहीं है, इसका मतलब मैं इनको अपग्रेड नहीं कर सकता। यस, मेरे पास एंडर पर्ल नहीं है भाई, मेरे को एंडर पर्ल का जुगाड़ करना पड़ेगा कैसे भी करके। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इनको इस तरीके से लगा देता हूँ तो यहाँ पे मैं इनसे फार्मिंग कर सकता हूँ गाइस। ये देखो, अभी मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत चेस्ट बना लेता हूँ इसके अंदर। ओके, मेरे सारे के सारे बुटानिया पॉट यहाँ पे लग चुके हैं। अब मुझे ये चेस्टे वेस्टे भी अपग्रेड करनी होगी, जो कि मैं करूँगा। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊँ, अगर मैं यहाँ पे डायमंड का ब्लॉक रखता हूँ और इसके ऊपर एक डायमंड रखता हूँ, तो मैं यहाँ पे डायमंड की खेती कर सकता हूँ गाइस। ये देखो, इस तरीके से मैं डायमंड की खेती कर सकता हूँ और ये खेती भाई बहुत जल्दी हो जाएगी। अभी मैं देखता हूँ क्या मुझे डायमंड मिलेगा। अगर मुझे डायमंड मिलता है तो मेरे पास अनलिमिटेड डायमंड हो जाएंगे गाइस। इसको उगने में थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि ये नॉर्मल बुटानिया पॉट है। मैं चाहूँ तो इनको बूस्ट भी कर सकता हूँ, बट उसके लिए मेरे को एंडर पर्ल चाहिए होगा जो कि मेरे पास नहीं है, तो एंडर पर्ल भी मेरे को इकट्ठे करने पड़ेंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे शायद से एक, ओके दो मिलेंगे मुझे एक बार में। ओके, तो ये तो यार बहुत बढ़िया है, एक बार में मुझे दो डायमंड मिले। मतलब गाइस अपने पास अनलिमिटेड डायमंड का जुगाड़ तो हो गया है, वैसे मेरे पास डायमंड की कमी भी नहीं थी। और ऐसे ही मैं उगाने वाला हूँ आयरन भी गाइस, मैं अपनी मेन मेन चीज़ें उगाने वाला हूँ भाई। एक आयरन हो गया और हाँ, मेरे पास नेदर राइट है तो मैं एक नेदर राइट भी उगाऊंगा। ओ, मैं उगा पा रहा हूँ, लेकिन ये नेदर राइट नहीं उग रहा, ये एंसेंट डेब्रिस उग रहा है। चलो कोई नहीं, ये भी चीज़ सही है। यहाँ पे मैं गोल्ड उगाने वाला हूँ और यहाँ पे मैं आयरन उगाने वाला हूँ और यहाँ पे मैं कोल उगाने वाला हूँ। तो भाई मेरे पास कोल हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, नेदर राइट हो गया, तो इसका मतलब अपने पास अनलिमिटेड रिसोर्सेस हो चुके हैं माइनक्राफ्ट के नॉर्मल रिसोर्सेस के। क्या आपको लगता है कि ये इस माइनक्राफ्ट का मेन रिसोर्सेस है जिस वर्ल्ड में मैं अभी एग्जिस्ट कर रहा हूँ? मुझे तो नहीं लगता गाइस, क्योंकि इसमें सब चीज़ सुपर है। जैसे कि आप लोगों ने देखा, वो सुअर ने मुझे एक हिट में मार दिया, एक अजीब से एंटिटी ने यहाँ पे मेरा पूरा का पूरा घर ब्लास्ट कर दिया। तो मुझे नहीं लगता गाइस यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल होने वाला है और ये रिसोर्सेस मेरे किसी काम आएंगे। मुझे लगता है ये रिसोर्सेस मेरे सिर्फ छोटी मोटी चीज़ें क्राफ्ट करने में काम आएंगे, बड़ी चीज़ के लिए मुझे बड़ी चीज़ सोचनी पड़ेगी। जैसे कि फिलहाल तो मुझे यार वहाँ पे द किंगडम ऑफ ड्रैगन में एंट्री करने के लिए डिवाइन डिश बनानी है, तो मुझे अपने क्रॉप्स पे भी ध्यान देना पड़ेगा, यानी कि मुझे सुपर फूड बनाने हैं, जिसके लिए मुझे चाहिए होगा भाई डायमंड, और वो भी बहुत सारा डायमंड। तो चलो थोड़े से डायमंड खोल लेते हैं। इनके चारों तरफ जब मैं डायमंड को इस तरीके से घुमाता हूँ तो मैं सिर्फ गाइस बनाने वाला हूँ 5 पोटैटो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3 4, टोटल गाइस 6 फूड हमें लगने वाला है डिवाइन डिश बनाने में, और मैं 4 फूड यहाँ पे रेडी कर चुका हूँ। अब बचता है मेलन और पंपकिन। पंपकिन के लिए भाई मेरे को पंपकिन पाई बनानी पड़ेगी, यानी मेरे को 5 अंडे चाहिए होंगे, 5 सुगर चाहिए होंगे। 2 3 4 5 4 5। ओके गाइस, तो भाई मेलन और पंपकिन का जुगाड़ भी हो गया है, तो चलो फटाफट से पंपकिन का शीड भी बना लेता हूँ मैं लगे हाथों। 1 2 3 4 5, लेट्स गो। अब बस मेरे को मेलन का सीड बनाना है, और मेलन के सीड के लिए सबसे पहले मेरे को ग्लिसरीन मेलन बनाना पड़ेगा जो कि गोल्डन नगेट से बनेगा। मुझे लगता है गाइस अपना काम हो गया, तो यहाँ पे मेरे पास 5 मेलन के सीड भी आ चुके हैं। मेरे पास 6 की 6 डिश आ चुकी है, यानी कि मैं डिवाइन डिश 2 बना सकता हूँ, और इसमें 1 2 3 4 5 6 ही चीज़ें लग रही है, और एक है डिवाइन डिश जो कि डिवाइन डिश लग रही है इसमें। और वैसे मेरे पास 8 डिवाइन डिश पड़ी हुई हैं, इसका मतलब मैं 8 डिवाइन डिश 2 बना सकता हूँ। मैं एक चीज़ ट्राई करके देखना चाहता हूँ गाइस, मेरे पास बोन मील है क्या? ओके गाइस, मेरे पास बोन मील नहीं है, तो ऐसा करते हैं मैं नेदर खोलने वाला हूँ और वहाँ से थोड़ी बोन लेके आऊँगा। और नेदर खोलने के लिए भाई मेरे को नेदर पोर्टल बनाना पड़ेगा। ओके गाइस, हम लावा के पास पहुँच गए हैं और मेरे पास डायमंड की पिकेक्स है, तो मैं ये ऑब्सीडियन निकाल सकता हूँ इजी पीजी। ओके गाइस, तो यहाँ पे मेरे पास काफी सारा ऑब्सीडियन आ चुका है, अभी चलते हैं सीधा घर की तरफ। नेदर पोर्टल बनके हमारा तैयार है, अब बस इसको इग्नाइट करना है। अरे भाई,
क्या घटिया किस्मत है भाई, ये कौन सी जगह पे स्पॉन दे दिया मेरे को माइनक्राफ्ट ने यार। इस जगह पे बहुत स्लो हो जाता है प्लेयर। ये एक चीज अच्छे की यहाँ पे मेरे को बोन के स्ट्रक्चर मिल जाएंगे, तो मेरे को बोन मिल ढूंढने में ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाली यहाँ पे। ये नेदर काफी ज्यादा अजीब है भाई, बहुत खतरनाक सा दिख रहा है ये नेदर। चलो यार मुझे लगता है इतनी बोन काफी रहेगी, मेरे को 20 ब्लॉक मिल गए बोन के, तो एक बारी मैं टेस्ट करके देखता हूँ क्या ये बोन कुछ काम आएगी भी। क्या मैं ये वीट उगा सकता हूँ इस बोन से, क्या इसको मल्टीपल कर सकता हूँ? मुझे वैसे लगता तो नहीं है, बट चलो चेक। होली क्रैप, मैं इसको डबल कर सकता हूँ। ओ भाई ये तो बहुत सही चीज हो गई गाइस, मेरे को वीट मिल गया है। चलो कैरेट को करते हैं, सबको एक एक स्टैक करते हैं। ये कैरेट हो गया, यहाँ पे मैं वीट उगाने वाला हूँ, और यहाँ पे मैं पोटैटो उगाने वाला हूँ, यहाँ पे बीट रूट। ओके गाइस, तो मेरे पास बीट रूट, कैरेट, वीट और पोटैटो। गाइस ये चीज मेरे पास आ चुकी है भाई, बट मेरे को यहाँ पे दो चीजें और चाहिए, यानी कि सुपर पम्पकिन और सुपर मेलन। भाई ये दो चीज और है जिसको मैं अभी उगाया नहीं है। ओ भाई ये उग रहे हैं साथ के साथ, लेट्स गो। और ये इतने सारे उग रहे हैं, व्हाट द हैक, ये एक साथ इतने उगेंगे? मतलब भाई इनका फार्म तो थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है फिर तो। तो यहाँ पे मैं मेलन उगा देता हूँ सारे के सारे, है ना, और यहाँ पे मैं पंपकिन उगा दूंगा सारे के सारे। ओके गाइस, तो भाई यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा सेटअप रेडी कर दिया है। इसको बनाने में यार मेरा काफ़ी टाइम निकल गया यार, पता नहीं कितने दिन निकल गए माइनक्राफ्ट के। तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे मेरा सारा का सारा ये डायमंड वगैरह जितने भी चीज़ें होंगी, यहाँ पे सीड वगैरह, वेनीला वगैरह, मतलब सारे के सारे सीड होंगे ना जितने भी, वो मैं यहाँ रखने वाला हूँ। उसके अलावा यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, और यहाँ पे आर्मर वगैरह जो भी चीज़ें होंगी वो सब आएंगी यहाँ पे। और ये तीन चेस्ट मेरे अभी खाली हैं, इनको भी भरूंगा मैं। और यहाँ पे मैं मतलब नॉनवेज जितना भी होगा वो सब रखने वाला हूँ, अभी मेरे पास दो ही चीज़ें हैं। और यहाँ पे आने वाला है गाइस सुपर फूड, यहाँ पे टोटली मैं सुपर फूड से भरने वाला हूँ इसको, क्योंकि मेरा काफ़ी ज़्यादा सुपर फूड लगेगा। तो गाइस जैसा कि भाई यहाँ पे देख रहे हो, भाई होली मोली ये क्या पंपकिन उग रहे हैं भाई, इतने सारे पंपकिन उगते हैं क्या ये? तो चलो भाई इनको एक साथ हार्वेस्ट करते हैं। भाई साहब बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग है गाइस ये लिटरली, भाई हो माई गॉड, भाई ये क्या चीज़ है, इतने सारे पंपकिन उग रहे एक साथ। और कुछ सीड जो है यहाँ पे गाइस ख़राब भी हो रहे हैं, मैं उनको बाद में रिप्लेस कर दूंगा, बट भाई अभी जितने यहाँ पे मिल रहे हैं उतने तो मैं उठा ही लेता हूँ। बट यार यहाँ पे ये चीज़ उगने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा रही है, ये देखो उग रही है लेकिन बीच बीच में से थोड़ी थोड़ी उग रही है, तो ये थोड़ा हार्वेस्ट होने में टाइम लगेगा। बाकी गाइस यहाँ पे देख रहे हो ये चीज़ मेरी हार्वेस्ट हो गई है, तो इसको उखाड़ लेता हूँ भाई फटाफट, क्योंकि वेनिला वाली चीज़ों की भी मेरे को ज़रूरत पड़ेगी डिवाइन डिश 1 बनाने के लिए। और अच्छी बात यह है कि मैं इनको राइट क्लिक से हार्वेस्ट कर सकता हूँ, मेरे को इनको रीप्लांट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, बस मुझे आना है और इनको हार्वेस्ट करना है। कितनी सही चीज़ है यार, कितना ज़्यादा ईजी हो गया है मेरा फार्म यहाँ पे। और अभी तो इस फार्म को मैं और भी ज़्यादा ऑटोमेटिक और भी ज़्यादा ईजी बनाने वाला हूँ, और भी ज़्यादा प्रोडक्शन दे मुझे ये, अभी जितना प्रोडक्शन आ रहा है मैं इसको डबल ट्रिपल कर सकता हूँ गाइस। तो गाइस डिवाइन डिश 2 बनाने के मैं बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया हूँ, और मैं बना भी सकता हूँ, बट इन चीज़ों को मुझे कुक करना पड़ेगा। यहाँ पे बीट रूट कुक हो रहा है, यहाँ पे कैरेट, और यहाँ बना लेता हूँ मैं ब्रेड। अब गाइस मेरे पास सभी चीज़ें हो चुकी हैं, कुक्ड सुपर पोटैटो 8 रखूँगा मैं, क्योंकि मेरे पास 8 ही डिवाइन डिश हैं, 8 मेलन, 8 पम्पकिन, कैरेट, बीट रूट एंड लास्ट चीज सुपर ब्रेड। तो ये देख रहे हो गाइस डिवाइन डिश 2, तो यहाँ पे डिवाइन डिश 2 हमारी बनके तैयार हो गई है गाइस। अब मुझे बनानी है डिवाइन डिश 3, बट गाइस डिवाइन डिश 3 बनाना इतना इजी नहीं होने वाला है, क्योंकि डिवाइन डिश 3 बनाने में भी हमारा बहुत हालत ख़राब होने वाला है, क्योंकि डिवाइन डिश 3 बनाने के लिए मुझे चाहिए होगी होली फूड। तो ये होली फूड क्या है भाई, जैसे सुपर फूड था ना ऐसे ही होली फूड बनता है,
तो भाई होली फूड बनाना इतना आसान नहीं होने वाला। जैसे कि अगर मुझे होली पटैटो बनाना है तो मुझे इसके चारों तरफ नेदर राइट रखनी होगी और बीच में सुपर पोटैटो, तभी जा करके होली पोटैटो बन सकता है भाई। और होली कैरेट बनाना भी कुछ इसी तरीके से है। वीट बनाने के लिए भी मेरे को नेदर राइट लगने वाले हैं। और पम्पकिन बनाना थोड़ा डिफरेंट टास्क है। पम्पकिन बनाने के लिए मेरे को वीदर रोज चाहिए होगा भाई। अब ये वीदर रोज कहाँ से लेके आऊँगा मैं। मेलन बनाने के लिए भी मेरे को वीदर रोज चाहिए होगा। अब भाई वीदर रोज का तो एक ही तरीका है, अब वीदर रोज कैसे लेके आऊँगा गाइस। में वीदर रोज के भाई दो ही तरीके हैं। पहला तरीका कि मैं नेदर जाऊं और रैंडमली ढूंढूं। दूसरा तरीका मैं वीदर को स्पॉन करूं। तो मैं दूसरे तरीके के साथ जाना चाहूंगा वीदर को स्पॉन करके। उसके लिए मुझे एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा, वहां पे बहुत सारे चिकन के बच्चे स्पॉन करने पड़ेंगे और उनके ऊपर पोशन और पॉइजन फेंकना पड़ेगा जिससे कि उनका हेल्थ बिल्कुल हाफ हर्ट पे पहुंच जाए। और फिर जैसे ही मैं वीदर को स्पॉन करूंगा तो उसके ब्लास्ट से ये जितने भी चूजे मरेंगे ना वो वीदर रोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। और हाँ, मुझे अपने लिए गोल्डन इंचेंटेड एप्पल चाहिए होगा भाई। ओके गाइस, तो अब मैं डिवाइन डिश 3 बना सकता हूँ क्योंकि मुझे पता चल चुका कि मुझे वीदर रोज कैसे मिलेगा। और वीदर रोज का जुगाड़ भाई मैंने कैसे ना कैसे करके लगा लिया है कि ये मैं कैसे लाने वाला हूँ। क्योंकि देखो, एक तो मैं नेदर से जा करके ला सकता हूँ, बट भाई नेदर में मुझे नहीं पता कहाँ पे मिलने वाला है और मेरा नेदर का स्पॉन भी बहुत ज्यादा बेकार मुझे मिला है। तो यार, मेरा जो सेकंड तरीका है मैं वही यूज करने वाला हूँ, यानी कि मुझे चिकन एग, स्प्लैश पोशन ऑफ पॉइजन, सोल सैंड, वीदर स्केलेटन हेड, चिकन एग मुझे मिल जाएगा, स्प्लैश पोशन ऑफ पॉइजन मुझे मिल जाएगा, सोल सैंड भी इजिली मिल जाएगी, यहाँ तक कि इंचेंटेड एप्पल भी मैं बना सकता हूँ। बट जो सबसे मेन चीज है वीदर स्केलेटन, ये कहाँ से मैं लाने वाला हूँ भाई वीदर का स्कल। तो भाई उसका एक बहुत ही टेढ़ा तरीका है, बट हाँ मैं ला सकता हूँ। मुझे बस एक विलेजर को किडनैप करना होगा। क्या बात है। ओके गाइस, तो भाई मैं यहाँ पे एक विलेज में आ चुका हूँ। अब मुझे बस एक ऐसा विलेजर ढूंढना होगा जिसके पास जॉब नहीं है, एंड शायद मुझे वो विलेजर मिल भी गया। तो चलो भाई इस विलेजर को पकड़ लेते हैं और मैं इसको इस तरीके से पकड़ने वाला हूँ इस बॉल के अंदर। यह है गाइस मोब कैप्चर डिवाइस। इससे मैं इजीली किसी भी मोब को, किसी भी तरह के विलेजर को इसमें कैच कर सकता हूँ। और तो चलो भाई, अभी मेरे को विलेजर मिल चुका है तो अभी घर पे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इससे किस तरीके से वीदर का स्कल निकलवाने वाला हूँ। लेट्स गो गाइस, हम घर पे वापस आ गए हैं। यहाँ पे मैं विलेजर को छोड़ देता हूँ। तो चलो भाई, अब इस विलेजर को मुझे देनी पड़ेगी जॉब ताकि मुझे ये वीदर का हेड दे। अब भाई अभी तक तो इसने कोई जॉब नहीं ली है क्योंकि ये सुबह ही जॉब लेगा। यहाँ पे जो भी चीज़ होगी उससे जॉब ले लेगा, जैसे एनविल वगैरह से जॉब ले लेगा। लेकिन सुबह होने से पहले मुझे एक चीज़ बनानी पड़ेगी जिसको बोलते क्रिस्टल वॉल टेबल। तो गाइस मुझे ये एक टेबल बनाना पड़ेगा, इससे भाई मैं उस विलेजर को जॉब दे सकता हूँ और फिर थोड़े बहुत चांस होंगे कि ये विलेजर जो है, यानी कि एस्ट्रोलॉजिस्ट, ये विलेजर बनेगा और ये मुझे एमरल्ड और कोल के बदले वीदर का स्केलेटन दे सकता है। तो गाइस मैंने क्रिस्टल बॉल टेबल तो बना लिया है, अब जरा देखते हैं भाई ये काम करता है कि नहीं करता। तो चलो गाइस सुबह करते हैं और फिर देखते हैं कि ये विलेजर जॉब लेता है कि नहीं लेता। ओके गाइस, तो क्या इसने जॉब ली। भाई ये जॉब क्यों नहीं ले रहा है। भाई ये विलेजर कहाँ जा रहा है भाई, ये तो जॉब भी नहीं ले रहा। I'm fast as fuck, boy. Holy crap, guys, ये कैसा विलेजर है भाई। खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। सो गाइस, मेरा वो वाला विलेजर तो धोखा देके भाग गया है। शायद उसको मेरे घर पे काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तो भाई वो विलेजर तो भाग गया है। बट मैं यहाँ पे एक और विलेजर पकड़ के लाया हूँ दूसरे विलेज से। आई होप कि यार ये वाला विलेजर जॉब ले ले। तो चलो भाई देखते हैं जॉब लेता है क्या नहीं लेता। ओके गाइस, तो भाई इसने जॉब ले लिए और ये बन चुका है एस्ट्रोलॉजिस्ट नोविस। तो गाइस ये कुछ चांस है कि मुझे देगा वीदर स्कल। तो भाई देखते हैं, मैं इसकी ट्रेड को साइकिल करता हूँ और देखते हैं कि ये हमें दे पाता है कि नहीं दे पाता। ओके गाइस, तो यहाँ पे भाई मैं एक और विलेजर पकड़ के ले आया हूँ और यहाँ पे भाई मैंने ये वूल के पायदान लगा दिए हैं जिससे कि ये विलेजर बाहर नहीं भाग पाएगा। तो चलो भाई इसको जॉब देते हैं नए विलेजर को, फ्लेचर की। अबे तू हट जा भाई। सो फ्लेचर बन जा, लेट्स गो। तो ये फ्लेचर के साथ अब मैं डील करूँगा स्टिक्स की। ओके गाइस, मेरे पास इनफ एमरल्ड हो गए हैं तो मैं एमरल्ड की खेती भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं एमरल्ड भी लगा देता हूँ ताकि एमरल्ड भी उगते रहें। प्लस मेरे पास थोड़े बहुत एमरल्ड हो गए हैं,
तो मैं इससे इसके साथ डील कर लेता हूँ ताकि इसको भी अपग्रेड कर दूँ। ओके गाइस, तो भाई बहुत ही ज्यादा खुश हूँ गाइस मैं, क्योंकि भाई हमारा जो मेन टास्क था ना, यानी कि हमारा वीदर स्कल भाई, यही ज्यादा सबसे मुश्किल होने वाला था और ये टास्क तक गाइस हम पहुंच गए हैं। भाई देख रहे हो वीदर का स्केलेटन स्कल ये हमें ट्रेड कर रहा है, और यहाँ तक कि वीदर रोज भी ट्रेड कर रहा है गाइस। भाई यार वीदर रोज बनाने के लिए इतनी चीजें हो रही हैं, बट यार वीदर रोज हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पे ले लेते हैं हम वीदर के हेड। तो गाइस अपने पास 3 हेड हो चुके हैं, तो अब अपना जो नेक्स्ट टारगेट होने वाला है वो होने वाला है चिकन के एग्स। और गाइस चिकन के एग्स मेरे को मिलेंगे भाई चिकन से, या तो मैं फार्मर से ले सकता हूँ, बट यार फार्मर का एक लिमिट होता है, एक ट्रेड सेट होती है, तो ये पक्का नहीं है कि ये मुझे अंडे देगा भी क्या नहीं देगा, और मुझे पता नहीं कितने सारे फार्मर्स इकट्ठा करने पड़े। बट मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना मैं चिकन का फार्म ही बना लूँ। तो चलो भाई यहाँ पे फार्म बनाने के लिए कुछ स्पेशल चीज है हमारे पास, मुझे बनाने होंगे कुछ मॉब फार्म। तो मैं बनाने वाला हूँ भाई ये वाला मॉब फार्म जो कि नेदरराइट का बनने वाला है। मैं इसमें 2 तरीके के मॉब फार्म बनाऊंगा, एक बनाऊंगा भाई पैसिव के लिए, एक बनाऊंगा एग्रेसिव के लिए। मतलब एक मैं बनाऊंगा अपने चिकन फार्म वगैरह के लिए, और एक बनाऊंगा भाई मैं एंडरमैन्स के लिए, क्योंकि मेरे को यार एंडर पल सही होंगी। तो गाइस ऑलमोस्ट सामान मेरा तैयार हो गया और भाई रात भी हो गई है, तो चलो अब बनाते हैं फटाफट से भाई अपने फार्म। तो मुझे थोड़े से नेदरराइट चाहिए होंगे, तो मैं नेदरराइट लेने वाला हूँ भाई, और मैं ऑलमोस्ट 4 फार्म बनाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले भाई मेरे को ये नेदरराइट के टेम्पलेट बनाने पड़ेंगे, 1-2, और मैं ये 4 बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी सारा एंशिएंट डेब्रिस आ गया है, तो चलो भाई इसको भी पिंगला लेते हैं फटाफट से, स्क्रैप बना लेते हैं इसका। ओके गाइस, तो यहाँ पे 4 टेम्पलेट मेरे पास बन चुके हैं। अब मैं 2 बनाऊंगा मॉन्स्टर के और 2 बनाऊंगा एनिमल के। तो पहले बनाते एनिमल का, ओके सीड नहीं है मेरे पास। 2 बनाऊंगा मैं एनिमल के और 2 बनाऊंगा मॉन्स्टर के, 1-2, लेट्स गो गाइस। तो अब लगा देता हूँ मैं यहाँ पे चेस्टे, जो कि मैं यहाँ लगाने वाला हूँ। मुझे नहीं पता ये चेस्ट पे काम करेंगे या कैसे काम करेंगे, वैसे ये काफ़ी बड़े दिख रहे हैं भाई। वैसे इनको चला के देखता हूँ मैं, ये चलेंगे किस तरीके से भाई। ओके तो यहाँ पे होपर लगेगा, नहीं यहाँ पे क्या तलवार आएगी, और यहाँ पे मॉब का स्लॉट आएगा। तो अब गाइस मुझे मॉब पकड़ के लाना पड़ेगा, और अगर मैं एक मॉन्स्टर का रखूँ यहाँ पे तो देखते भाई वो कैसा दिखने वाला है। होली क्रैप, अगर मैंने ये एक बार तोड़ दिया तो मुझे वापस नहीं मिलेगा ये क्या बात हुई भाई, इतना महंगा फार्म और मुझे वापस नहीं मिलेगा। ओ माय गॉड गाइस, मैंने एक तोड़ के गलती कर दी। चलो कोई नहीं गाइस, एक से ही काम चला लेंगे हम, इनसे ही काम चलाएंगे। तो गाइस मुझे पता चल चुका कि मुझे इनमें मॉब्स किस तरीके से डालने और एनिमल किस तरीके से डालने। एनिमल को पकड़ने के लिए मुझे एक गोल्डन लैसो बनाना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे एक रस्सी चाहिए होगी, और मॉब को पकड़ने के लिए मुझे विच बोतल बनानी पड़ेगी। तो विच बोतल तो मैं अभी बना सकता हूँ। अब फिर से गाइस एक प्रॉब्लम आ गई है कि मुझे रस्सी चाहिए होगी एनिमल पकड़ने के लिए, और रस्सी हम 3 तरीके से बना सकते हैं। या तो मुझे ये वाला स्लाइम मिल जाए, या फिर मुझे ये रंग बिरंगा स्लाइम मिल जाए, या फिर मुझे ये स्ट्रॉ मिल जाए। और ये स्ट्रॉ तो मुझे पता है भाई रेगिस्तान में मिलते हैं, बट यहाँ पे कोई रेगिस्तान नहीं है आसपास, तो मुझे स्लाइम का ही जुगाड़ करना पड़ेगा भाई। मुझे पता है कि मुझे ये कहाँ पे मिलने वाली है। अरे भाई हट ना यहाँ से, मेरे बेड पे सो रहा है यार। तो चलो गाइस अब मैं जाने वाला हूँ स्लाइम लेने के लिए। मुझे पता है स्लाइम कहाँ मिलेगी, तो इसीलिए मैं थोड़े बहुत ब्लॉक्स अपने साथ लेकर के जा रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे उड़ता हुआ एक आइलैंड है, तो इस आइलैंड पे मुझे स्लाइम मिल सकते हैं। और सामने देखो गाइस, भाई ये कितना क्यूट लग रहा है गाइस, यहाँ पे एक ड्रैगन उड़ रहा है। मुझे नहीं पता ये ड्रैगन कौन सा होने वाला है, मगर भाई यहाँ पे ड्रैगन उड़ रहा है। अगर यार मैं इसको टेम कर पाता ना, तो डेफिनेटली मैं डायरेक्ट ऊपर जा सकता था, बट मुझे नहीं पता भाई वो किस चीज़ से टेम होगा।
और उसका अंडा या पता नहीं होगा भी क्या नहीं होगा, क्योंकि यार जो ड्रैगन्स होते हैं ना हम उनको टेम नहीं कर सकते, उनको शायद से हम अंडा उनका उठा सकते हैं और अंडे से जो बच्चा हम हैच करते हैं ना वो हमारा टेमेबल होता है। तो भाई आई थिंक यही तरीका है भाई ड्रैगन्स को टेम करने का और ड्रैगन्स को पालने का। लेट्स गो गाइस, अब बनानी है अपने को सीधा लीड और उसके लिए चाहिए होंगे अपने को थोड़े से स्ट्रिंग। तो चलो रस्सी बनाते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे 8 रस्सियाँ बन चुकी है, तो इससे मैं 8 तरीके के लैसो बना सकता हूँ और इन 8ों लैसो में मैं अलग अलग एनिमल्स पकड़ सकता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पे भाई चिकन मेरे को मिल गया है और ये पकड़ नहीं रहा है। ओके, तो इसका ड्यूरेबिलिटी है भाई, मतलब मैं ये छूट भी सकता है। तो चलो देखते हैं गाइस ये किस तरीके से काम करते हैं भाई ये लैसो। आई होप कि यार मुझे अच्छे से अच्छी लूट दे। क्या मैं इनको इंचेंट वगैरह भी कर सकता हूँ? ओके, इसमें डायमंड का भी लैसो बनता है और नेदर राइट का भी बनता है जिसके टूटने के चांसेस कम होंगे। तो यार मेरे को उसी में ही बना लेना चाहिए था इसको। क्या मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ उसमें? तो मेरे को एंडर पल चाहिए होंगे और एंडर पल के बाद मैं नेदर राइट का बना सकता हूँ, बट एंडर पल तो मेरे पास है ही नहीं ना भाई। बट यार अभी तक मेरे को एंडरमैन दिखे नहीं है, वैसे रात हो रखी है। तो चलो यार एंडरमैन को ढूंढते हैं, एंडरमैन भी कैप्चर कर ही लेता हूँ अब बाहर आया हूँ तो। ओके गाइस, तो यहाँ पे भाई एंडरमैन मेरे को मिल गए हैं। आई होप कि यार इसमें एंडरमैन एक ही बारी में आ जाए। लेट्स गो। ओके, एंडरमैन आ गया गाइस, बट मेरे पास एक बोतल हो रहा। तो चलो देखते हैं इसमें भी एंडरमैन पकड़ के देखते हैं, फिर मेरे पास 2 बोतल हो जाएंगे एंडरमैन्स की। ओके गाइस, मैं एक ही बोतल में पकड़ पाया हूँ एंडरमैन। सबसे पहले मोप का टेस्ट करके देखते हैं। ओके गाइस, तो इसमें एंडरमैन का आ गया है और ये ड्रॉप कब करेगा भाई? आई थिंक मुझे इसमें प्लेस वेपन स्लॉट टू गेट बेटर ड्रॉप्स। तो गाइस मेरे को एक अच्छी लूट के लिए यहाँ पे एक स्वॉर्ड भी डालनी होगी। तो चलो यार स्वॉर्ड भी डाल देते हैं। प्लेस ए ग्लास बोतल ऑफ स्लॉट टू गेट एक्सपीरियंस। गाइस एंडरमैन का ड्रॉप आने वाला है, 4 सेकंड में आ जाएगा। ओके, यहाँ पे इसका ड्यूरेबिलिटी भी कम हुआ और 2 एंडर पल मेरे को मिल भी गए। नाइस, और अब ये जो नेक्स्ट ड्रॉप करेगा, मतलब ये 60 सेकंड में ड्रॉप कर रहा है। ओके नॉट बैड। तो यहाँ पे मेरे को चिकन के अंडे भी इसी तरीके से मिलेंगे। देखते हैं चिकन से मुझे क्या क्या मिलता है। मुझे फैदर, अंडे और मीट मिलेगा या नहीं मिलेगा, देखते हैं गाइस क्या क्या मिलता है इससे। बट कुछ भी बोलो गाइस, ये चेस्ट लगाने का यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। ओके गाइस, तो यहाँ पे मुझे रो चिकन और फैदर मिला है, अंडे नहीं मिले हैं। तो अंडे के लिए क्या करना है भाई, अंडे का क्या जुगाड़ बिठाया जाए? मुझे लगता है गाइस मुझे एक वेनिला फार्म बनाना ही पड़ेगा भाई। The next day, later. So guys, मैंने एक चिकन का छोटा सा मॉब फार्म बनाया है, दिखाता हूँ कैसा है। बट उससे पहले भाई मेरे को चाहिए होंगे यहाँ पे थोड़े से ये वाले मुर्गे। ये मुर्गे सबसे ज़्यादा अंडे देते हैं, देख रहे हो यहाँ पे भी कितने सारे अंडे दिए हुए इनने। तो चलो भाई इसको अपने मॉब फार्म में छोड़ के आते हैं और मैं आप लोगों को मॉब फार्म भी दिखाता हूँ कि मैंने किस तरीके का बनाया है। मतलब मॉब फार्म नहीं, उसको हम चिकन कूप कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने एक छोटा सा चिकन कूप बनाया है, यहाँ पे नीचे होपर लगा दिए हैं और इसके ऊपर है भाई कारपेट। तो ये कारपेट पे अंडे देंगे, होपर में से वो अंडे इस चेस्ट में आएंगे। तो चलो देखते हैं भाई ये अंडे कितनी देर में देते हैं। और ये देखो अंडे, ये इस तरीके से अंडे देगा ना। अरे भाई अंदर जाना अंडा, ये देखो ये इस तरीके से अंडा देगा तो वो अंडा यहाँ पे आ जाएगा होपर से होता हुआ। तो चलो यार मैं बहुत सारे मुर्गे यहाँ पे पकड़ लेता हूँ।
ओके गाइस, तो इतने चिकन आई थिंक इनफ रहेंगे भाई, और यहाँ पे इन्होंने अंडे देने शुरू भी कर दिए, तो चलो देखते हैं भाई कितनी देर में कितने अंडे देते हैं ये। फिलहाल मैं अपने मॉब फार्म को देखने वाला हूँ, यानी कि ये वाला जो छोटा सा मॉब फार्म बनाया था मैंने, तो यहाँ पे काफ़ी सारे एंडर पर्ल आ गए हैं भाई, और इसका हेल्थ भी कम नहीं हुआ है, मतलब इनका हेल्थ कम नहीं होता। ओ यहाँ पे भी अंडे आ रहे हैं, ओके गाइस तो यहाँ पे भी अंडे आ रहे हैं भाई, लेट्स गो। यहाँ पे लेदर भी आ रहा है, पिक का मीट भी आ रहा है, शिप का भी आ रहा है, तो भाई ये भी बहुत सही चल रहा है, लेट्स गो गाइस। जब तक गाइस ये इकट्ठा हो रहा है, जब तक हम तैयारी करते हैं होली कैरेट पोटैटो बीटरूट और वीट बनाने की, लेट्स गो। सो गाइस रात हो चुकी है और मेरे को नहीं पता भाई इन्होंने कितने अंडे दिए हैं। ओके यहाँ पे 11 अंडे हो चुके हैं मेरे पास, लेट्स गो। और मुझे नहीं पता गाइस ये नॉर्मल वाले अंडे हैं या फिर अलग वाले अंडे हैं, क्योंकि ये तो शायद से नॉर्मल अंडे ही हैं। ओके गाइस तो थोड़े बहुत अंडे मेरे पास हो चुके हैं, और यहाँ पे चिकन भी आ रहा है। तो अब मेरे पास चारों ही चीजें आ चुकी थी, यानी कि बीट रूट कैरेट ब्रेड पोटैटो, और अब मुझे दो चीजें चाहिए थी, होली पंपकिन और होली मेलन। तो होली की छह चीजें होने के बाद मेरी डिवाइन डिश 3 बन सकती है, तो अब बारी आ गई है पंपकिन और मेलन के लिए वीदर रोज इकट्ठा करने की, जिसके लिए मेरे को वीदर को मारना पड़ेगा, और बहुत सारे मुर्गी के बच्चे इकट्ठा करने के लिए मुझे अंडे चाहिए, और अंडों के लिए मुझे करना पड़ेगा AFK। ओके गाइस तो यार मेरे को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है यहाँ पे AFK करते हुए, तो चलो देखते हैं कि अभी रिजल्ट क्या मिलता है अपने को AFK का। ओके गाइस तो यहाँ पे काफ़ी सारे चिकन के एग हो चुके हैं, आई थिंक इतने से मेरा काम हो जाना चाहिए भाई। थोड़ा सा अपना फार्मिंग भी देख लेता हूँ। ओके डायमंड भी काफ़ी सारे आ गए हैं, नेदरराइट भी, गोल्ड आयरन कोल एम्ब्रल्ड, भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया खेती हो गई है। तो अभी गाइज अपने को वीदर को मारना होगा, और वीदर रोज चाहिए होगा अपने को भाई, अब तभी मैं पंपकिन और मेलन उगा सकता हूँ, और मेरे ये दो ही चीज़ें रहती है डिवाइन डिश 3 के लिए। तो चलो गाइज अपना प्लेटफॉर्म बनाना शुरू करते हैं, तो उसके लिए मेरे को थोड़ा सा ऑब्सीडियन चाहिए होगा भाई। एंड यार एक चीज़ और, मेरे को पॉइजन का पोशन भी तो चाहिए होगा, वरना यार मैं चूजों की हेल्थ कैसे कम करूंगा। तो मेरे को नेदर में भी जाना पड़ेगा ब्लेज को ढूंढने के लिए, तो क्यों ना यार मैं ब्लेज को पकड़ के लिए आऊँ यार, उसकी फार्मिंग कर लूँ थोड़ी सी, ताकि मेरे को काफ़ी सारे ब्लेज रोड मिल सके। सो गाइस मेरे को विच बोतल बनाना पड़ेगा एक और। सो गाइस मैंने एक से ज़्यादा बना लिया, क्योंकि भाई ये ब्रेक भी हो जाती हैं। मुझे लगता है गाइस ये विच बोतल के अलावा मैं ये नेदरराइट का लैसो भी बना सकता हूँ। इस पे लिखा हुआ है टारगेट मॉब एंड राइट क्लिक टू कैप्चर कैन कैच ऑल मॉब्स। ये गाइस ऑल मॉब्स मतलब इसमें सभी तरीके के मॉब्स पकड़ सकता हूँ मैं, तो चलो क्यों ना यही बना लेता हूँ मैं फिर, क्योंकि बोतल से मैं तो चांस रहता है यार, बोतल कई बार ब्रेक भी हो जाती है। भाई ये विलेजर नेदर में क्या कर रहा है? सरप्राइज मदरफकर। भाई साहब ये नेदर में आ गया भाग के। गाइस वैसे देखा जाए तो मेरी किस्मत बहुत अच्छी है भाई, ये मेरा पोर्टल है और यहाँ देखो नीचे ही नेदर फोर्ट्रेस है, नाइस। और ये देखो ब्लेज का स्पॉनर भी इधर ही है भाई, बहुत बढ़िया, क्या स्पॉन मिला यार, मजा आ गया। ओके गाइस तो एक मैंने पकड़ लिया है यहाँ पे। ओ भाई अगर मैं चाहूँ तो वीदर स्केलेटन भी पकड़ सकता हूँ, ताकि मेरे को और भी ज़्यादा वीदर के हेड मिल सके, बट यार अभी अपने को ज़रूरत नहीं है, अभी अपन चलते हैं फटाफट यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता ये मेरा कचरा कर दे यहाँ पे ब्लेज जितने भी हैं। ओके गाइस तो भाई चलो अब ये ब्लेज को यहाँ पे लगा देते हैं, और देखते कितनी देर में ये ब्लेज हमें ब्लेज रोड देता है। फिर मैं एक ब्रीविंग पोशन बनाऊंगा और स्प्लैश पोशन ऑफ पॉइजन बनाऊंगा। तो ये बन गया ऑकवर्ड पोशन, पोशन ऑफ पॉइजन में कन्वर्ट कर लेते हैं। पोशन ऑफ पॉइजन तैयार है गाइस, अब मेरे को बहुत सारा गोल्ड चाहिए होगा भाई, आई थिंक गाइस इतना गोल्ड इनफ रहेगा मेरे को। 5 यहाँ पे इंचेंटेड एप्पल बनानी है, और यहाँ पे मेरी इंचेंटेड एप्पल बनके तैयार है। तो गाइस मैं ऑलमोस्ट रेडी हूँ, बस अब मेरे को चाहिए तो एक प्लेटफॉर्म और बहुत सारे अंडे, जिनमें से चूजे निकलने वाले हैं भाई। ओके गाइस मैं इनका हेल्थ देख लेता हूँ, भाई इनका हेल्थ 4 का है, अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो इनका हेल्थ 1 हार्ट का हो जाना चाहिए, तो देखते हैं इनका हेल्थ 1 हार्ट का होता है या नहीं होता।
ओके गाइस, थोड़ा मुझे भी पॉइजन लग गया है, बट कोई बात नहीं, मैं झेल लूंगा भाई। ओके गाइस, तो इनका हेल्थ 1 हार्ट का हो गया है। अब मेरे को इंचेंटेड एप्पल खाना है और यहाँ पे वीदर को स्पॉन कराना है। लेट्स गो, ब्लास्ट होगा और मुझे वीदर रोज मिल जाएगा। लेट्स गो, नहीं नहीं ये बाहर जा रहे हैं। ओके गाइस, मेरे को वीदर रोज मिल गया, लेट्स गो। अब फटाफट इसको मार देता हूं मैं। ओके गाइस, नाइस। और मेरे को चिकन के अंडे भी मिल गए, व्हाट, लेट्स गो। तो चलो गाइस, अपना काम हो गया भाई, बहुत बढ़िया काम हो गया गाइस। अपने को वीदर रोज भी मिल गए हैं और कुछ चिकन के अंडे भी मिल गए भाई, लेट्स गो। अपना बचा हुआ काम भी निपटा देते हैं, होली मेलन और होली पंपकिन भी बना लेते हैं ताकि हम अपनी डिवाइन डिश 3 बना सकें। और ये अंडों से मैं चिकन निकाल देता हूँ भाई यहाँ पे। ये मुर्गी बच के भागना चाह रही थी, तो कैसा लग रहा है मुर्गियों? ओ भाई साहब, तो चलो गाइस सीड बनाते हैं फटाफट। सारा बना लिया और अब पहले बनाता हूं मैं पंपकिन के सीड, जो कि 4 सीड बनने वाले हैं। और अब मेलन के भी बना लेता हूं। चलो भाई, ये पंपकिन फटाफट से हार्वेस्ट कर लेता हूं मैं। ओ भाई, यहां पे काफी सारे पंपकिन हो गए हैं मेरे पास। अब मेरे को लेवल 3 की डिवाइन डिश बनाने के लिए यहाँ पे नया वाला पंपकिन उगाना होगा और इस पे थोड़ा बोन व्हील मार देते हैं। और जब तक ये उगता है, जब तक हम यहाँ पे मेलन की खेती भी कर लेते हैं। ओ भाई, ये क्या हुआ? होली क्रैप, मुझे लगता है गाइस पंपकिन उग गया है यहाँ पे। बहुत बड़ा पंपकिन है भाई ये, यार इतने बड़े पंपकिन उगेंगे भाई यहाँ पे। लेट्स गो गाइस, मेरे को होली पंपकिन मिल चुका है। अब बस मेरे को होली वाटरमेलन और चाहिए भाई। क्या मैं ये अगर करूँगा तो हो जाएगा क्या? नहीं गाइस, इस पे बोन मिल सिर्फ इतना ही लग सकता है। ओके, मेलन भी उग गया मेरी आंखों के सामने, लेट्स गो। होली मेलन भी मिल गया अपने को। अब डिवाइन डिश 3 गाइस बन सकती है अपनी। तो चलो गाइस, सब्जियां भी हार्वेस्ट हो गई हैं होली की, अब बना लेते हैं डिवाइन डिश 3। भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग गया डिवाइन डिश 3 तक मुझे पहुँचने में। और यहाँ पे कुछ सीड वगैरह है भाई, ये रख देता हूँ मैं। क्या, अच्छा इनको पकाना भी है। ओके, इनको पकाना भी है भाई, ऐसे नहीं काम करेंगी ये। इसका ब्रेड बना लेता हूँ। चलो गाइस, अभी मेरी सभी चीज़ें बन गई हैं, तो अब बना लेते हैं डिवाइन डिश 3। तो गाइस, अभी मैं सिर्फ 8 ही डिवाइन डिश 3 बना पाया हूँ। वैसे 8 भी गाइस मेरे को लगता है इनफ है। अभी जो मेरी मेन चीज़ थी ना गाइस, यानी कि डिवाइन डिश 3, वो बन चुकी है। अब मेरे को बस अपने लिए अपना आर्मर अपग्रेड करना है, क्योंकि भाई मैं डायमंड के आर्मर के साथ वहाँ पे नहीं जा सकता। मुझे एक पावरफुल आर्मर बनाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा क्या मैं यहाँ पे ड्रैगन वॉरियर का कोई स्पेशल आर्मर बना सकता हूँ। तो मुझे मेरे लायक एक आर्मर मिल गया है गाइस, तो मैं गाइस बनाने वाला हूँ सबसे पहले एक नेदरराइट का आर्मर। तो उसके लिए मेरे को नेदरराइट चाहिए होगा भाई। वैसे मेरे पास डायमंड का आर्मर है, तो मैं इसी पे ही नेदरराइट लगा लेता हूँ, तो ये नेदरराइट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेट्स गो। ओके गाइस, मुझे अपने वेपन भी करने होंगे अपग्रेड। ये हो गई स्वॉर्ड, ये हो गई पिकेक्स, ये हो गई शावल, और एक एक्स भी बना ही लेता हूँ मैं यार दूसरी। ये हो गई एक्स। बट गाइस, अभी भी मैं एक चीज बना सकता हूँ, पता है क्या? मैं नेदरराइट का आर्मर नहीं बनाने वाला। नेदरराइट का आर्मर तो सबको ही पता है भाई। मैं बनाने वाला हूँ गाइस एक बहुत ही स्पेशल आर्मर, जिसके लिए मेरे को बहुत सारा नेदरराइट लगेगा भाई। ओके गाइस, तो आई थिंक मेरे पास इनफ नेदरराइट हो चुका है भाई, बस थोड़ा सा और बना लेता हूँ अगर बन रहा है तो। ओके गाइस, तो यहाँ पे मेरे पास 8 ब्लॉक आ चुके हैं नेदरराइट के, और अब मैं बनाने वाला हूँ गाइस एक ड्रैगन वॉरियर का पावरफुल आर्मर, जिसको बोलते हैं होली आर्मर। तो चलो भाई, बना लेते हैं एक होली आर्मर, जिसके लिए पूरा एक नेदरराइट का ब्लॉक लग रहा है भाई। आई होप कि ये आर्मर पावरफुल होगा। तो मैं एक स्वॉर्ड भी बनाने वाला हूँ, होली स्वॉर्ड, और एक पिकेक्स भी बनाने वाला हूँ, एक्स भी बनाने वाला हूँ, शॉवल भी बनाने वाला हूँ। तो चलो गाइस, जरा देखते हैं कि ये आर्मर आखिर है क्या चीज। ओके गाइस, तो भाई ये आर्मर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है भाई, बहुत ओपी लग रहा है गाइस ये वाला आर्मर। तो चलो भाई, स्वॉर्ड भी जरा देख लेते हैं क्या चीज़ है ये स्वॉर्ड।
ओके गाइस, तो स्वॉर्ड का जो अटैक डैमेज है वो 10,000 का है। भाई साहब ये 10,000 के डैमेज वाली स्वॉर्ड है, इससे तो मैं सबको वन हिट करूंगा भाई। तो चलो भाई चलते हैं जरा द ड्रैगन ऑफ किंगडम और देखते हैं भाई वहां पे हमसे पावरफुल कौन है। ओके गाइस, तो भाई मेरे सामने यहाँ पे दो दो वही वाले मॉन्स्टर आ गए हैं रास्ते में जिन्होंने मेरा घर तबाह किया था। तो गाइस चलो अब यहाँ पे अपना ये आर्मर भी टेस्ट हो जाएगा कि ये कैसा काम करने वाला है। तो चलो भाई जरा इनसे फाइट लेके देखते हैं। मैं एक इंचेंटेड एप्पल यहाँ पे खाने वाला हूँ, सो लेट्स गो। आई होप कि यार मैं मरूँ ना। ये देखो ये दोनों मेरे पास रीच कर रहे हैं, तो मतलब ये मेरे पे एग्रो हो गए हैं। लेट्स गो यार, मेरे को इनका हेल्थ देखना सबसे पहले तो कितना हेल्थ है। होली क्रैप, भाई कितना 1 मिलियन, कितना हेल्थ है इनका। ओ माय गॉड गाइस, मुझे लगता नहीं कि मैं इसको मार पाऊंगा। देखते हैं गाइस। ओ भाई इसको डैमेज तो मैं काफी अच्छा दे रहा हूँ, बट आई डोंट नो गाइस क्या मैं इसको मार पाऊंगा क्या नहीं मार पाऊंगा। और बस मुझे इसकी तलवार से बच के रहना है कि ये मेरे को वन शॉट कर सकता है, क्योंकि भाई इसके पास जो तलवार ना, इसने शेरू को वन हिट कर दिया था, तो मुझे इसको मारना होगा। यार कितना हेल्थ बचा है इसका, भाई इसका हेल्थ तो कम ही नहीं हो रहा। ये क्या चीज है यार, मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए भाई, मेरे को इनसे फाइट ही नहीं लेना है। ये अलग ही तरह के क्रिएचर्स है भाई, पता नहीं इस वर्ल्ड में आखिर है क्या क्या चीज भाई जो मेरे को अभी तक जाननी है। बट यार मैं इनको इतनी खतरनाक स्वॉर्ड से जिसका डैमेज भाई एक, जिसका डैमेज है 10,000, उससे भी नहीं मार पा रहा हूँ मैं इनको। माय गॉड गाइस क्या चीज है भाई, ये क्या वर्ल्ड है यार, ये कहाँ फंस गया मैं भाई, यहाँ से निकल लेता हूँ मैं। ओके गाइस, मैं द किंगडम ऑफ ड्रैगन के गेट पे आ गया हूँ, तो भाई अब देखा जाएगा जो होगा, हमें तो सीधा अंदर जाना है।